Popping bottles, knocking models. I want a bumper beat that goes hard. Hello guys and welcome back to the channel. So Skoda has finally revealed their Kylak, a car which seems to be a threat for other compact SUV, especially for the cars which are offering the turbo engines. So aaj iske bare mein sari baatein karne wale. So mera naam hai Himanshu and aap dekh rahe ho Turbo vs GD. So first thing first, sabse pehle baat karte hain car ke pricing ki. Skoda ne 7.89 lakh ex showroom se is car ko launch kara hai. Yani ki Skoda ne sari strategy kafi sahi tarike se plan kari hai. Even though they are a bit late, आते आते काफी देर होगी compact SUV में, but क्योंकि it's Skoda, so definitely लोगों की नजरें इस कार पे जरूर होंगी. जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में कहा था कि अगर Skoda इस बार भी इस तरीके से कार लाएंगे कि यार हम तो Skoda हैं और compact SUV का price थोड़ा सा भी ऊपर जाता है, so वो इतना attract नहीं करेगी consumers को. सो इन शॉर्ट, अगर हम कार के बेस मॉडल की बात करें तो 9 लाख से नीचे नीचे ही आपको जो है ऑन रोड ये कार देखने को मिल जाएगी. एंड द प्लस पॉइंट इज गाइस कि इस कार में जो इंजन है, दैट्स द सेम इंजन जो आपको Skoda Kushaq में मिलता है. सो बेसिकली 13-14 लाख रुपए वाली कार का इंजन अब आपको 9 लाख रुपए में देखने को मिलेगा. अगर हम बात करें सेफ्टी की, तो बेस मॉडल से ही आपको 6 एयरबैग्स Skoda ऑफर कर रही है, साथ में 25 प्लस अदर सेफ्टी फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ कॉमन फीचर्स हैं हिल होल्ड, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइसोफिक्स एक्सेट्रा. लिस्ट काफी लंबी है. इतना ही नहीं गाइस, ये कार आपको ऑटोमेटिक में टॉक कन्वर्टर के साथ मिलती है. कार में और भी प्रीमियम फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले. एंड द कार इज रियली लुकिंग प्रीमियम एंड अमेजिंग वेदर इट्स इनसाइड और आउटसाइड. मुझे बस थोड़ी सी कंप्लेंट यहाँ पे Skoda से रह गई. मुझे कार बहुत सुंदर लगी, स्पेशली अगर मैं कार के फ्रंट की बात करूं. पहले उसकी बात करते हैं, फिर मैं बताऊंगा मुझे छोटी सी क्या कंप्लेंट है. कार फ्रंट से देखने में थोड़ी बहुत आपको Kushaq जैसी वाइब्स दे सकती है, बट इफ यू लुक एट द हेडलाइट्स, वहां पे डेफिनेटली Skoda ने काफी काम करा है एंड चेंजेस भी कर दिए हैं. इनफैक्ट बोनट पे भी आपको क्रीसेस दिखेंगे, दैट इज बेसिकली Skoda हो या Volkswagen हो, दीज बोथ ब्रांड्स वर्क अलॉट फॉर देयर एरोडायनामिक्स. तो कार जब आप भगाओगे तो एक्चुअली में इस टर्बो इंजन की जो पावर है आपको फील करेगी. ये जो क्रीसेस होती है बेसिकली जो शेपिंग होती है एरोडायनामिक्स की, ये हेल्प करती है कि कार कितने अच्छे तरीके से हवा को काटेगी हायर आरपीएम्स पे और स्पीड पे. सो जो छोटी कंप्लेंट है वो ये है कि यार जो क्लैडिंग है, ये जो स्टाइल है, आपने पंच में भी देखा होगा या फिर ब्रेजर में भी, कि क्लैडिंग्स को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं. सो यहाँ पर भी थोड़ा सा ये आपके लिए टफ रहेगा इसको मेंटेन करना. उसके बाद भी ये जो रियर लाइट्स है मुझे थोड़ी सी ओल्ड फैशन लगी, ओल्ड स्कूल टाइप लगी. अब क्योंकि मेरे पास खुद पोलो थी तो मुझे इनको देख के पोलो की याद आ गई. सो डेफिनेटली यहाँ पर अगर थोड़ी सी डिजाइन लैंग्वेज चेंज कर देते, सो या तो Skoda ने भी सोचा होगा कि यार अगर हमने थोड़े से और चेंजेस करें तो कहीं ये Kushaq जैसी ना लगने लगे. सो दैट्स व्हाई दे कैप्ट इट सिंपल. पर दोस्तों अगर हम बात करें कार के बूट स्पेस की, आई फाइंड इट रियली प्रैक्टिकल. आई मीन ये इतना तगड़ा बूट स्पेस है, आराम से 5 से 6 लोगों का सामान आप कैरी कर सकते हो एंड यू कैन गो फॉर लॉन्गर ट्रिप्स एज वेल. कार की जो ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज ऑल्सो 189 mm, सो तकरीबन 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है. अब कार की जो हाइट है वो थोड़ी सी कम है अगर आप इसको कंपेयर करते हो कंपटीशन में अवेलेबल कॉम्पैक्ट एसयूवी से, बट दैट्स क्वाइट मैनेजेबल क्योंकि काफी और भी चीजें जो आपको अच्छी मिल रही है, जैसे कि Skoda से मिलने वाला सेफ्टी का भरोसा. एंड डेफिनेटली यहाँ पर Skoda ने जिस तरीके की प्लानिंग करी अपनी सेफ्टी को लेके, मुझे लगता है दे आर डेफिनेटली गनिंग फॉर 5-स्टार सेफ्टी, चाहे BN कैप से आ जाए या फिर GN कैप से आ जाए, जहां से भी आ जाए बस 5-स्टार आ जाए. इवन दो अगर हम बात करें कार के व्हील बेस की, सो दिस इज स्लाइटली बेटर देन अदर कॉम्पैक्ट SUVs. फॉर एग्जांपल अगर हम इसको Brezza, Nexon, Venue, Sonet से कंपेयर करते हैं, सो आपको जो व्हील बेस है वो ज्यादा मिलता है कुछ mm. कार की जो टायर प्रोफाइल है वहां पे भी आपको 17 इंचेस के अलॉय देखने को मिलेंगे टॉप वेरियंट में. तो मुझे लगता है ओवरऑल एक काफी अच्छी कार बनाई है ऑलरेडी. इवन Skoda ने जो बैजिंग है फ्रंट में तो उन्होंने वही लोगो रखा है, पर जो अगर आप पीछे देखोगे जो लेटर वाइज इन्होंने ओपन कर करके लिखा है, जो लेटरिंग है इन्होंने अलग तरीके से Skoda को लिखा है बड़ा बड़ा. ये सेम स्ट्रेटेजी कुछ दिन पहले Citroen ने भी अपनाई थी, जहां पर उन्होंने अपनी एयर क्रॉस को ऐसे खुला खुला करके लिखा था. आई एम रियली नॉट श्योर इफ दिस इज एनी काइंड ऑफ ट्रेंड, बट एवरीवन सीम्स टू बी फॉलोइंग इट. Kylak एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है क्रिस्टल, और ये माउंट कैलाश से भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेकर आता है. इनफैक्ट जब कार को लॉन्च किया गया, सो Skoda ने जो इसका ओवरऑल एक शूट था रोहित शेट्टी की टीम के साथ मिलकर इन्होंने इसको कराया. सो काफी बॉलीवुड स्टाइल में Skoda हैज कम अप विद दिस कॉम्पैक्ट SUV, क्योंकि एक ऐसा सेगमेंट है जो हर एक मिडिल क्लास एटलीस्ट इस तरह की कार लेने की कोशिश करता है, क्योंकि जो हैचबैक्स है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ होती नजर आ रही है. अब लोगों का जो ध्यान है माइक्रो SUV और कॉम्पैक्ट SUVs की तरफ ज्यादा जा रहा है.
बाय द वे मैंने आज अक्टूबर की बेस्ट सेलिंग एसयूवीज की वीडियो भी बनाकर डाली है, अगर आप चाहो तो उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। स्कोडा अपने इंजन को लेके इतनी कॉन्फिडेंट है कि दे डिसाइडेड नॉट टू गिव एनी इंजन इंसुलेशन बोनेट के अंदर। तो यहाँ पे बिना इंसुलेशन के आपको दिख रहा होगा क्योंकि यार इंजन बहुत साइलेंट और काम है, ये इतनी आवाज ही नहीं करता कि इसमें इंसुलेशन की नीड पड़े। उसका काम बेसिकली यही होता है कि जो ज्यादा आवाज करते हैं उसको दबाने के बेसिकली इंसुलेशन काम आती है। फॉर मी बाइंग दिस कार मीन्स यार यू आर बाइंग वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्ड कार, चाहे वो सेफ्टी की बात हो, इंजन पावर की, परफॉर्मेंस की, इंजन की साइलेंटनेस की बात हो, आई मीन व्हाट सो एवर यू आर बाइंग हियर, आई मीन इन शॉर्ट इस कार को खरीदने का मतलब है यू आर बाइंग स्मॉल लेवल ऑफ BMW और ऑडी, और आपको ये डेफिनेटली वैसी वाइब दे देगी। Skoda is also known for providing you best customer service and fit and finish. यानी कि आप hardly ही कुछ ढूंढ पाओगे कार में कोई जो नुक्स वगैरह होता है। सो आपको इस चीज के बारे में कोई भी परेशानी या टेंशन नहीं लेनी है। ये जो कार का प्लेटफॉर्म है ये भी सेम प्लेटफॉर्म है जिस पे कुशाक बेस्ड है। सो इनफैक्ट मैं आपको बता दूंगी Volkswagen is also planning, वो Volkswagen Terra लाने की प्लानिंग कर रहे हैं जो कि सेम कार होगी जो Skoda Kailak के प्लेटफॉर्म वाली ही कार जो Volkswagen लाएगा, दैट इज गोना बी कॉल्ड Volkswagen Terra। इसकी भी न्यूज ऑलरेडी आ चुकी है। So, अगर हम बात करें कंपटीशन की तो किन किन कार्स को Skoda Kailak से खतरा है, तो सबसे पहले मैं बता दूं जो जो कार्स टर्बो इंजन स्पेशली ऑफर कर रही हैं सबसे ज्यादा खतरा उन कार को आएगा, जिसमें फर्स्ट रडार पे आएगी टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा XUV 3XO, फ्रॉन्क्स टर्बो, सोनेट टर्बो एंड वेन्यू टर्बो। एंड गाइज अगर मैं पावर वाइज या फिर बेस्ट इंजन वाइज बात करूं आज की डेट में ये एक ऐसी कार है जो आपको इस लेवल का इंजन इतने कम प्राइस पे दे सकती है बींग अ सेफेस्ट कॉम्पैक्ट SUV। तो यहाँ पर डेफिनेटली दे हैव डन समथिंग डिसरप्टिव फॉर श्योर। अगर हम कार के इंटीरियर्स की बात भी करते हैं तो भाई टू स्पोक स्टेयरिंग मिलता है और मतलब थोड़ा बहुत आपको ना कुशाक वाली वाइब्स नजर आएंगी। सेंटर के जो एसी वेंट्स है थोड़ा सा न्यू डिजाइन है, अदरवाइज जो साइड में आप एसी वेंट्स देखोगे वो आपको कुशाक में भी देखने को मिलते हैं। आई मीन कार इज डेफिनेटली लुकिंग प्रीमियम। अब इसका जो टॉप वेरियंट है उसकी प्राइसिंग नहीं आई है, बट मुझे लगता है अगर बेस मॉडल 9 लाख का है तो टॉप वेरियंट तकरीबन 15-16 लाख तक जाना लाजमी। ऑलराइट गाइस, सो आने वाले दिनों में हम इसके बारे में और भी बातें करने वाले हैं, इसको कंपेयर भी करेंगे अदर कॉम्पैक्ट SUV से। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज द फर्स्ट टाइम यूर वॉचिंग आवर चैनल, तो मैं आपको बता दूं हम इस चैनल पे काफी सारी चीजें करते रहते हैं, कार्स के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। सो आज के लिए इतना ही, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मिलते हैं दोबारा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे।